पानी उसरी नदी से अब शहर के जलस्तर को सामान्य रखने के साथ ही उसरी नदी में पानी ठहराव को लेकर राज्य सरकार द्वारा पहल की जा रही है, जिससे सालों भर शहर के जलस्तर में कोई कमी न रहे। शहर के उसरी नदी से सटे तटों पर अब बैराज का निर्माण कर पानी ठहराव की व्यवस्था की जाएगी। स्थानीय विधायक निर्भय सभागी द्वारा विधानसभा में सवाल उठाने के बाद राज्य लघु सिंचाई मंत्रालय के निर्देश पर शुक्रवार को लघु सिंचाई प्रमंडल गिरडी के पदाधिकारियों ने विधायक निर्भय सभागी के साथ पदाधिकारियों ने नगर निगम क्षेत्र के करीबन आधा दर्जन नदी घाटों का दौरा किया। नदी तटों का भ्रमण करने के दौरान विधायक सहवादी और कार्यपाल अभियंता चंद्र कुमार शेखर ने बताया कि उसरी नदी के तट पर बैराज चेक डैम निर्माण से सालों भर नदी में पानी का स्टॉक रह सकता है, जिससे शहर का जल स्तर भी सामान्य रहने की उम्मीद है। गिरिडीह वासियों के लिए लाइफ लाइन, इसका घटता जल स्तर, बालू का उठाव और नाना प्रकार के नदी के अतिक्रमण, इन चीजों को देखते हुए नदी लगभग लुप्त प्राय होने की स्थिति में। मैंने विधानसभा में बड़ी शिद्दत से इस बात को उठाया है कि जगह जगह बराज बना करके हर एक किलोमीटर पे बराज का निर्माण करके हम इस नदी को बचा सकते हैं। अभी जल बचाने का अभियान भी चल रहा है, जल का स्तर ऊंचा रहे इसके लिए भी सारा, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, इसमें लगातार प्रयास कर रही है। इसी में मैंने अनुरोध किया विधानसभा में, जिसको स्वीकार किया गया। आज एक सर्वे टीम आई है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नेतृत्व में जेई और एई आए थे और हम लोगों ने सब पॉइंट को दिखाने का काम किया अपने साथियों के साथ में। उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि चंद दिनों के भीतर ही इसका DPR तैयार हो जाएगा।